जय हिंद। अंडर ऑफिसर नवनीता राजपूत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला एंड फर्स्ट हरियाणा गर्ल्स बटालियन अम्बाला कैंट। आज मैं आप सबको कोरोना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसने इस पूरी दुनिया को बंद कर दिया है। आप घर से निकलेंगे, कोरोना आपके पीछे आएगा। इसीलिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण है बुखार, खांसी, टायर्डनेस यानी कि थकान, और अगर ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाता है तो आपको डायरिया, न्यूमोनिया तक हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसकी मेन जर है। और अब हम बात करेंगे इससे बचाव कैसे करें। नंबर एक, अगर आपको किसी भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए, खाना, मेडिसिन या कुछ और, सबसे पहले तो एक हेल्पलाइन नंबर है जो सारे राज्यों में है, वो है 112। उस पर कॉल करें, उससे आपको फूड, राशन, कोई दिक्कत हो रही हो बता दें उनको, वो अपने कर्मचारी आपके घर तक भेजेंगे उस सामान के साथ। नंबर दो, दिन में एक बार नहीं, बार बार हाथ धोएं। जितना आप हाथ धोएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और हाथ अगर आप साबुन से ही धोइए मैं तो कहूँगी, क्योंकि पानी से तो जर्म्स निकलेंगे नहीं, साबुन तो लगाना पड़ेगा। अब अगर आप साबुन लगाते हैं तो ये मत भूलिए कि नाखून के अंदर जो गंदगी है उसमें भी साबुन घुसाइए, ताकि वो गंदगी में जितने भी कीटाणु हैं गंदगी के साथ निकल जाए। ऐसे रगड़िए कि कलाई, उंगलियों के बीच और नाखून के बीच की सारी गंदगी निकले। नंबर तीन, अगर आपको किसी भी वजह से पब्लिक प्लेस में जाना पड़ रहा है, यानी कि जहाँ बाकी लोग भी होंगे, तो वहाँ या तो अपना मुंह ढकिए। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो सरकार ने कहा है एक कपड़े के टुकड़े से अपना मुंह ढकिए और फिर ही जाइए। बिना मुंह ढके पब्लिक प्लेस में जाना मना है। और अगर आप ढक भी लेंगे तो आप ही की सुरक्षा है। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो लगा लीजिए मास्क, हाथ धो लीजिए। और सबसे अच्छी बात होगी अगर जो आप सब्जी, राशन जो भी आ रहा है आपके घर में बाहर से, मेडिसिन, उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, उसके कीटाणु मर जाएंगे, फिर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, है ना? और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपकी मदद कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में। कोरोना उनको भी खा सकता है, बट आपका बचाव नहीं करेगा कोई तो कोरोना ख़त्म भी नहीं होएगा। इसीलिए आप भी अपने घर के अंदर रहिए, ताकि उन पे प्रेशर ना पड़े ज़्यादा। घर पे रहिए, उन डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को, मेरे जैसे कई कैडेट्स अभी ड्यूटी पे लगे हुए हैं उनको याद कीजिए, फायर फाइटर्स को, वो इंजीनियर, प्लम्बर्स और एसी रिपेयर वालों को जो गर्मियों में तैनात करे गए हैं आपके घर आके ठीक करने के लिए, उन सबको मेरा सलाम है। जय हिंद।